So hello everyone, welcome to my channel Commerce Notes. आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम और एमकॉम में हमें आता है उसका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 15 और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तो आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बताने हैं इससे पहले जो वीडियो थी वहाँ पर हमने क्या है कॉम्पोनेट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़े हैं अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमने इस सब्जेक्ट के और भी क्वेश्चन आंसर्स करे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ये अलग अलग सब्जेक्ट से हमारा क्वेश्चन बनता है तो जिस भी सब्जेक्ट से आपको बनता है ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट है ठीक है तो हम क्या है मतलब आपके लिए ये जो हम वीडियो है वो क्या होगी रेलिवेंट होगी हम समझते हुए यहाँ पर चलेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं भाई मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट का ठीक है क्योंकि आपसे यहाँ पे जो पूछा है टाइप्स तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा मीनिंग तो कह रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं और ट्रेड करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स को जैसे फाइनेंशियल एसेट बोले तो स्टॉक बॉन्ड्स करेंसीज़ और कॉमोडिटीज़ ठीक है अब ये जो मार्केट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में ये हेल्प करती है कंपनी की कि वो ईजिली यहाँ पर आके रेस कर सकते हैं कैपिटल गवर्नमेंट यहाँ पर मैनेज कर सकती है अपने फाइनेंस को और इन्वेस्टर ग्रो कर सकता है वेल्थ को तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को समझना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मनी मार्केट क्या पढ़ रहे हैं हम मनी मार्केट तो ये क्या होती है कह रहे मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है एक ऐसा पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का जो डील करता है शॉर्ट टर्म बोरिंग में अगर आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो ठीक है शॉर्ट टर्म बोरिंग लैंडिंग बाइंग सेलिंग अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की करनी है ठीक है एक मेचोरिटी पीरियड होता है यहाँ पर जो कि एक साल तक होता है ठीक है ये हाईली लिक्विड मार्केट होती है जिसको डिज़ाइन इसीलिए किया गया है सो दैट शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स होती हैं जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ये इंस्टीट्यूशन की और कॉरपोरेशन की वो क्या हो जाए फुलफ़िल हो जाए अगर अब हम फीचर की बात करें तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेचोरिटी होती है यहाँ पे यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं मनी मार्केट में वो टिपिकली हैव की मेचोरिटी होती है uh, एक दिन से लेके एक साल तक हाईली लिक्विड होते हैं आप कभी भी यहाँ पे क्या है बाय और सेल कर सकते हो क्विकली कन्वर्ट किया जा सकता है इनको कैश में नेक्स्ट है लो रिस्क अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म नेचर है तो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैरी करते हैं जनरली लो रिस्क ठीक है अगर कंपेयर करें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फिर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम एन कहते हैं दैन लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट होती हैं ठीक है फिर अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट अगर मनी मार्केट में कौन कौन से वो होते हैं तो सबसे पहला है भाई टी बिल्स जो कि शॉर्ट टर्म डेट होते हैं जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट वो फाइनेंस कर सके अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को ये क्या है सोल्ड किए जाते हैं उनके द्वारा डिस्काउंट पे एंड फिर रिडीम किए जाते हैं उनके फेस वैल्यू पे अगर जब उनकी मेचॉरिटी हो जाती है तब फिर आते हैं कमर्शियल पेपर ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होते हैं जिनको इशू किया जाता है लार्ज कार्पोरेशंस uh, के द्वारा कंपनी के द्वारा सो so दैट वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फंडिंग नीड्स को क्या कर सके फुलफिल कर सके फिर आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये टाइम डिपॉजिट होता है जिनको इशू किया जाता है बैंक के द्वारा विद अ स्पेसिफिक मेचॉर्टी डेट पहले से बताई जाती है और इंटरेस्ट रेट भी और टिपिकली हायर देन होती है ये सेविंग अकाउंट से फिर आता है रिपर्चेज एग्रीमेंट जिसे हम रेपोज बोलते हैं तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पर सैलर अग्री है कि वो रीपर्चेज करेगा सिक्योरिटी को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एक स्पेसिफिक डेट पे, फिर कॉल मनी कॉल मनी क्या होती है बहुत शॉर्ट टर्म लोन होता है टिपिकली ओवरनाइट होता है जो बैंक लैंड करते हैं ईच अदर को मेनटेन करने के लिए लिक्विडिटी एंड मीट करने के लिए अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को ठीक है फिर अगर हम इंपॉर्टेंस देखें मनी मार्केट की तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो जाती है यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आप क्या है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फिर है मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल बैंक इशू यूज़ करता है मनी मार्केट को ऑपरेशन operation करने ऑपरेशन टू कंट्रोल मनी सप्लाई अगर मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक ने कंट्रोल करना है तो वो इसको यूज़ करता है फिर है फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म नीड आपकी शॉर्ट टर्म नीड है तो आप यहाँ पे आ जाओ वो क्या है फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे क्या है आपको शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग जो भी लोन वगैरह चाहिए वो मिल जाएगा अब हम सेकंड पढ़ते हैं इसका कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जो डील करता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में जैसे स्टॉक हो गया बॉन्ड हो गया यहाँ पे क्या है इनको ख़रीदा और बेचा जाता है ये यूज़ किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट वो रेज कर सके लॉन्ग लॉन्ग टर्म फंड जो होते हैं जो जनेंे चाहिए होते हैं ठीक है ठीके? फिर अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है लॉन्ग टर्म मच्योरिटी है मतलब यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाएंगे कैपिटल मार्केट में उनकी जो मच्योरिटी डेट है वो एक साल से ज़्यादा होगी ठीक है फिर हाइयर रिस्क अगर हाँ कंपेयर करें मनी मार्केट से तो भाई कैपिटल मार्केट में हाइयर रिस्क होता है क्यों क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइम हॉरिजन है और अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स यहाँ पे बना रहता है फिर पोटेंशियल्स फॉर हाइयर रिटर्न कैपिटल मार्केट ऑफर करता है पोटेंशियल की हाई रिटर्न भी आप क्या कर सकते हो आपको मिल सकता है स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसे बेनिफिट मिलता है कैपिटल की अप्रिसिएशन और डिविडेंड से फिर अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी गवर्नमेंट म्यूचुअल फ़ंड पेंशन फंड ये सब आते हैं फिर यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टॉक ये क्या होते हैं शेयर्स होते हैं ठीक है थेके? जो क्या ओनरशिप बताते हैं कंपनी में ठीक है जो कि शेयर होल्डर के पास होती है और उसके उनको इन रिटर्न क्या मिलता है डिविडेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज़ होते हैं जो इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा सो so दैट वो रेस कर सके कैपिटल और फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि वो पे करेंगे पीडिक इंटरेस्ट ठीक है और फाइनली बाद में वो मेच्योरिटी पे क्या है प्रिंसिपल को भी क्या करेंगे रिटर्न करेंगे देन आता है डिबेंचर डिबेंचर क्या होते हैं अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा और ये ऑफर करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट ड्यू टू द लैक ऑफ कॉलेट्रल फिर प्रेफर्ड शेयर्स प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं जिन्हें हम ये टाइप ऑफ इक्विटी होती है है जो क्या है फिक्स्ड डिविडेंड रेट होता है इसमें एंड प्रायोरिटी मिलती है इनको इक्विटी शेयर से ठीक है फिर है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वो बॉन्ड और प्रेफरेंस uh, शेयर्स जो क्या है कन्वर्ट किए जा सकते हैं प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ कॉमन शेयर में ऑफर करता है ये बहुत फिक्स्ड इनकम भी और फिर आगे पोटेंशियल फॉर इक्विटी अप्रिसिएशन भी इसकी हो सकती है फिर सब डिवीजन ऑफ कैपिटल मार्केट तो कैपिटल मार्केट के अंदर भी क्या है दो टाइप की अगर हम बात करें मार्केट प्राइमरी मार्केट आती है और सेकेंडरी मार्केट आती है अब प्राइमरी मार्केट क्या वो होती है जहाँ पे अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए और वो अपनी सिक्योरिटी या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ले रही हैं फ़र्स्ट टाइम तो अगर न्यू सिक्योरिटी इशू की जा रही है सोल्ड की जा रही है फ़र्स्ट टाइम तो उसको क्या बोलते हैं हम वो हम प्राइमरी मार्केट में कर सकते हैं लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र अगर निकाल रहे हो आप ठीक है फिर कंपनी और गवर्नमेंट यूज़ करती है प्राइमरी मार्केट को ताकि वो रेज कर सके नई कैपिटल और अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को भी ट्रेड किया जाता है जो सेकेंडरी मार्केट होती है प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी एंड एबिलिटी होती है कि बाय कर सको सेल कर सको ईजिली स्टॉक एक्सचेंज हो गया जैसे कि यहाँ पर ये एक्जाम्पल्स हैं कुछ स्टॉक एक्सचेंज ठीक है फिर इंपॉर्टेंस की बात करें कैपिटल मार्केट की तो कैपिटल फॉर्मेशन ये हेल्प करता है कंपनी की गवर्नमेंट की कि वो क्या है लॉन्ग टर्म फंड्स यहाँ से ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन में और डेवलपमेंट में फिर है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर यहाँ पे क्या है सेवर से इन्वेस्टर की तरफ को पैसा लेके जाया जा रहा है तो जो कैपिटल मार्केट है ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में फिर है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर के लिए कि वो अर्न कर सकता है यहाँ से रिटर्न ठीक है अपनी सेविंग पे डिविडेंड्स के थ्रू इंटरेस्ट के थ्रू और कैपिटल गेन के थ्रू फिर है प्राइस डिस्कवरी कैपिटल मार्केट आपकी हेल्प करती है एफिशिएंट प्राइस ऑफ़ सिक्योरिटीज़ को डिसाइड करने में कैसे डिसाइड होती हैं सप्लाई और डिमांड मार्केट फोर्सेस के द्वारा ठीक है फिर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय नेचर ऑफ एसेट तो अभी भी हमने टाइप पढ़े प्राइमरी और ये पहले हमने पढ़े मनी मार्केट कैपिटल मार्केट अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस नेचर नेचर ऑफ एसेट के बेसिस पे तो यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले कॉमोडिटी मार्केट कॉमोडिटी मार्केट एक ऐसा ये एक फिजिकल और वर्चुअल मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट को क्या आप ट्रेड करते हो जिन्हें हम कॉमोडिटी बोलते हैं इनका ब्रोट एंड सोल्ड होता है जो ये कॉमोडिटीज़ हैं इन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है दो ब्रॉड कैटेगरी में जो हार्ड हार्ड कॉमोडिटी और सॉफ्ट कॉमोडिटी हो गया हार्ड कॉमोडिटी में अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल गोल्ड मेटल आ गए और सॉफ्ट कॉमोडिटी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गए ठीक है व्हीट हो गया कॉफ़ी हो गया कॉटन हो गया तो फीचर की बात करें तो भाई टेंजेबल एसेट्स होते हैं आप टच कर पा रहे हो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं ठीक है यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी क्या है पहले से डिटरमाइन होती है अगर आपकी ऐसी है तभी आप यहाँ पे क्या है उनको बाय सेल कर सकते हो वॉलीटिलिटी होती है प्राइस यहाँ पे हाईली वॉलेटाइल होते हैं ठीक है देन देने टाइप्स अगर हम बात करें तो स्पॉट मार्केट आ गई यहाँ पर जहाँ पे कॉमोडिटीज़ को ब्रॉट और सोल्ड किया जाता है इमीजिएटली फिर फ्यूचर मार्केट आ गई यहाँ पे जहाँ पे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट और सोल्ड का बना होता है ठीक है एग्रीमेंट बना होता है कि आपको क्या फ्यूचर डेट पे क्या है ये हम डिलीवरी कर देंगे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हार्ड और सॉफ्ट कॉमोडिटी के हमने पढ़ ली है इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्राइस डिस्कवरी हो जाती है यहाँ पर हैजिंग कर सकते हो आप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉमोडिटी फ्यूचर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ प्राइस चेंज ठीक है देन इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन आप क्या इन्वेस्टर यूज़ करते हैं कॉमोडिटीज़ को सो दैट वो डाइवर्सिफाई कर सके अपने पोर्टफोलियो को ठीक है फिर आती है सेकंड डेरिवेटिव मार्केट तो जो डेरिवेटिव मार्केट है ये भी एक फाइनेंशियल मार्केट है किसके लिए है ये डेरिवेटिव्स के लिए है विच आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या होते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो डिराइव की जाती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स के थ्रू जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं ये कौन से होते हैं स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी करेंसी इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्सेस ठीक है फिर अगर हम फ्यूचर की बात करें तो लेवरेज डेरिवेटिव अलाउ करते हैं ट्रेडर को कि वो गेन कर सकते हैं एक्सपोजर टू एन एसेट प्राइस मूवमेंट ठीक है विदाउट हैविंग ओन एसेट इट्सल्फ फिर है हेजिंग एंड स्पेकुलेशन यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा हैज करने के लिए पोटेंशियल रिस्क के अगेंस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है भाई डे, डे, जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एंड जो उनका प्राइस होता है वो क्या है इसमें कहीं ना कहीं एडवांस मैथमेटिकल मॉडल्स इन्वॉल्व होते हैं फिर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्वैप एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है इसमें अगर हम देखें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो एग्रीमेंट वो जो एग्रीमेंट होता है जिसमें हम बाय और सेल करेंगे एक एसेट को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो पहले से ही सोचा हुआ है और एक स्पेसिफाइड टाइम पहले से ही बताया गया है फ्यूचर का फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे क्या है दैट गिव द बायर द राइट जहाँ पे बायर को क्या है राइट right दिया जाता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन कि वो क्या है उसके पास कॉल ऑप्शन है या फिर सेल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है एक एसेट के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस पे विद इन अ सर्टेन पीरियड फिर स्वैप्स स्वैप्स के उन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे दो पार्टी एग्री करती है कि वो एक्सचेंज करेंगे कैश फ्लो को और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जो कि फन यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क को फिर आता है इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये सिमिलर होते हैं फ्यूचर के जैसा बट यहाँ पर कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जाते हैं ओवर द काउंटर में एंड नॉट ऑन एक्सचेंज फिर आते हैं हमारा इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स इसेंशियल टूल होते हैं अगर आपको मैनेज करना है रिस्क ये अलाउ करते हैं बिजनेस को इन्वेस्टर को कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं एडवर्स प्राइस मूवमेंट के अगेंस्ट अपने आप को फिर अब प्राइस डिस्कवरी डेरीवेटि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइस डिस्कर प्राइज डिस्कवरी में भी इन द अंडरलाइंग मार्केट में बाय रिफ्लेक्ट कैसे शो करके मार्केट की मार्केट की एक्सपेक्टेशन कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के रिगार्डिंग फिर है मार्केट की एफिशिएंसी डेरिवेटिव इंक्रीज़ करते हैं मार्केट की एफिशिएंसी को ये अनेबल करते हैं ट्रेडर्स को कि वो क्या है पोजीशन मतलब टू टेक पोजीशन बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन कि जो भी उनकी मतलब एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को लेके वो वैसा कर सकते हैं फिर आता है हमारा थर्ड फॉरन एक्सचेंज मार्केट तो ये फ़ॉरन एक्सचेंज मार्केट कॉमनली नोन एज फॉरैक्स मार्केट भी बोला जाता है ठीक है ये ग्लोबल डी मार्केट है जहाँ पर करेंसीज को ट्रेड किया जाता है ठीक है फिर की फीचर की बात करें तो डिसेंट्रलाइज मार्केट होती है ये जहाँ पे मतलब अनलाइक अदर फाइनेंशियल मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट होती है इसका कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता यहाँ पर आप ट्रेड करते हो इलेक्ट्रॉनिक ओवर द काउंटर ठीक है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ बैंक्स ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पर ट्रेड होती है पेयर्स में ठीक है यूरो इनमें जो फर्स्ट करेंसी है इन द पेयर इज़ द बेस करेंसी होती है एंड जो सेकंड होती है वो कोट करेंसी होती है फिर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ट्रेडिंग होती है यहाँ पे ऑपरेट करता है चौबीस घंटे ठीक है फाइव डे अ वीक ड्यू टू द ग्लोबल नेचर ऑफ द करेंसी ट्रेड एंड हाई लिक्विडिटी होती है फॉर मार्केट मैसेव डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है यहाँ पर हाईली लिक्विड होती है ये अलाउ करता है ट्रेडर को कि वो एंटर और एग्जिट कर सकते हैं ईजीली फिर अगर हम टाइप की बात करें तो वही स्पॉट हो गया फॉरवर्ड हो गया फ्यूचर हो गया ऑप्शन हो गया तो स्पॉट मार्केट जहाँ पे इमीडिएटली एक्सचेंज करते हो करेंसीज़ को फॉरवर्ड मार्केट ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर बाय सेल किया जाएगा एक फ्यूचर डेट पर प्री डिटर्माइंट प्राइस पे फिर फ्यूचर मार्केट होता है जहाँ पर ये सिमिलर होता है फॉरवर्ड की तरह बट इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज एंड ट्रेड ऑन एक्सचेंज होते हैं एंड ऑप्शन मार्केट में देखे तो ये प्रोवाइड करता है प्रोवाइड देता है राइट right, तो ये आपको क्या है प्रोवाइड करता है राइट पर ये नहीं है कि आपकी ऑब्लिगेशन है आप बाय और सेल कर सकते हो करेंसी को एक स्पेसिफाइड रेट पे एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी तो सबसे पहले यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन हो रही है ये आपको हेल्प कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में एंड इन्वेस्टमेंट में ये आपको क्या है ऑप्शन दे रहा है कि आप कन्वर्जन करवा सकते हो वन करेंसी के अनदर में हैजिंग बिजनेस और इन्वेस्टर है जो यूज़ करते हैं फॉरेक्स मार्केट को हैज करने के लिए अगेंस्ट रिस्क ऑफ एडवर्स करेंसी मूवमेंट जो हो जाते हैं फिर है स्पेकुलेशन ट्रेडर क्या है यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट के से फिर है ग्लोबल ट्रेड ये फॉरेक्स मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्यों क्योंकि ये क्या है कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल ट्रेड में हेल्प कर रहा है फिर हम इसकी समरी देख लें अगर पूरे की तो बोल रहे हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉमोडिटी मार्केट पढ़ा फिर डेरिवेटिव मार्केट पढ़ा फिर फॉरेक्स मार्केट पढ़ा कॉमोडिटी मार्केट फोकस कर रही थी ट्रेड फिजिकल गुड्स में डेरिवेटिव्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में जो डिराइव कर रहे हैं अपनी वैल्यू को अंडरलाइन एसेट से फिर फॉरेक्स मार्केट में हमने पढ़ा कि यह ग्लोबल मार्केट है जिसमें करेंसी को आप ट्रेड कर रहे हो फिर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइज मार्केट जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं ये स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड मार्केट होती है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को ब्रॉड और सोल्ड किया जाता है एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में एग्जाम्पल हो गया जैसे न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ठीक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फिर आता है ओवर द काउंटर मार्केट ये डिसेंट्रलाइज मार्केट होती है जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है डायरेक्टली दो पार्टी के बीच में विदाउट अ सेंट्रल एक्सचेंज एग्जाम्पल हो गया जैसे फॉरेक्स मार्केट हो गया फिर थर्ड अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय डिलीवरी टाइम के बेसिस पे तो एक होती है स्पॉट मार्केट एक होती है फ्यूचर मार्केट स्पॉट मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है इमीजिएटली डिलीवरी और सेटलमेंट हो जाती है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है ऑन द स्पॉट और विद इन अ शॉर्ट पीरियड यूजअली दो बिजनेस डे फिर जो फ्यूचर मार्केट होता है ये वो होता है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अग्री करते हैं कि वो बाय करेंगे सेल करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे डिलीव uh, डिलीवरी करेंगे एक फ्यूचर डेट पे हेल्प uh, करता है हेजिंग में अगेंस्ट जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन कल को हो रही है उसमें फिर नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाई नेचर ऑफ क्लेम तो अगर हम क्लेम के बेसिस पे देखें तो एक होता है डेट मार्केट और एक होता है इक्विटी मार्केट अगर हम डेट मार्केट में देखें तो इसमें इन्वॉल्व होता है आप ट्रेड कर रहे हो डेट इंस्ट्रूमेंट में जैसे बोंन्ड हो गया जहाँ पे इन्वेस्टर क्या है लैंड करता है मनी ठीक है और इन एक्सचेंज क्या है उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है रिटर्न मिलता है उसके प्रिंसिपल पे और फाइनली क्या है उसको जो प्रिंसिपल है वो भी मिल जाएगा एक मिश्योरटी डेट पर इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म जैसे मनी मार्केट बोलते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट डेट बोलते हैं फिर इक्विटी मार्केट में देखते हैं ये इन्वॉल्व होता है इसमें ट्रेड करते हो आप स्टॉक्स का शेयर का जो रिप्रेजेंट करता है आपकी ओनरशिप कंपनी के अंदर इन्वेस्टर यहाँ पे बाय कर सकते हैं इक्विटी uh, को और वो क्या है कंपनी में एक कही कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जो कंपनी जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही क्या उनका डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा तो ये था हमने क्या है टाइप्स पढ़ लिए तो डिटेल में हमने पढ़े हमने कैपिटल मार्केट मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फिर हमने ये भी पढ़ा कि नेचर के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे टाइम डिलीवरी के बेसिस पे ये सारा हमने पढ़ लिया कि भाई कितने टाइप की हमारी क्या है फाइनेंशियल मार्केट है तो होप आपको समझ आया हो तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया यहाँ पे हमने फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है वो भी पढ़ा था तो अगर क्वेश्चन समझ आया आंसर समझ आया तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को शेयर भी करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स के साथ जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होगा तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो